नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रितिक। पॉलिटिक्स की खबरें तो बहुत चलती हैं चैनल पर, लेकिन आज जो मैं खबर लेके आपके पास आया हूं और जो आज एक मैसेज लेके आपके पास आया हूं वो कुछ अलग है, वो बचपन से जुड़ा है। याद होगा हम सब बचपन में एक ऐसा खेल खेला करते थे जो सब खेलते थे, हर एक भारत के राज्य में हर एक बच्चा हर एक गली मोहल्ले में खेलता है और वो खेल है क्रिकेट। धर्म कहते हैं भारत में से, और ये जो गेम है वो एक स्टेट के बच्चों के लिए बड़ा शाप की तरह होता है, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है इस स्टेट में, बच्चों में बहुत दमखम है, लेकिन वो जो प्लेटफॉर्म होता है ना वो प्लेटफॉर्म मिलता नहीं बच्चों को। और अब ये प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला है, जो भी क्रिकेट खेलते हैं बिहार में, स्पेशली मैं बता दूं बिहार में जो भी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उन सभी बच्चों के लिए एक सौगात है। 21 अक्टूबर इस डेट को लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके करियर में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। और हम बात करेंगे आज यहां पर, क्योंकि आज का इंटरव्यू मैं लेने वाला हूं, हमारे साथ में मौजूद है स्टूडियो में निशान दयाल जी है, ये डायरेक्टर है एलाइट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के। और अब बिना वक्त गवाए इनसे ही पूछते हैं कि आप क्रिकेट को लेकर ये क्या करना चाह रहे हैं। सबसे पहले से बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, और मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि बिहार के बच्चों के लिए तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपने दे दिया, बीसीएल स्टार्ट होने वाला है, बिहार क्रिकेट लीग स्टार्ट होने वाला है और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन आपके साथ मैनेज करके ये लीग को चलाएगा और ये आईपीएल के तहत पे चल रहा है ना। आप कुछ बताइए इस प्रीमियर लीग के बारे में कि इसके बाद स्पेशली बिहार के बच्चे कहां हमें क्या हमें इंडियन टीम में देखने को मिलेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो मैं ये पहले बता दूं कि बिहार एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट एसोसिएशन है 1935 का। ओके। और सबसे बड़ी बात है कि हम कुछ सालों तक क्रिकेट से वंचित थे और अभी दोबारा क्रिकेट आया है, और इस दौरान सबसे बड़ी बात जो हम बिहार क्रिकेट लीग की करते हैं, बिहार क्रिकेट लीग इज अ फॉर्मेट जो कि आईपीएल के तर्ज पे है, लाइव टेलीकास्ट होगा, कलर ड्रेस पे टूर्नामेंट होगा। और हम लोगों ने सबसे जो यूनिक पॉइंट किया है इस पर्टिकुलर लीग के लिए वो है कि हर एक टीम में वी विल हैव अ मेंटोर, और एक मेंटोर ऐसा होगा जो कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होगा और रिटायर्ड खिलाड़ी होगा। तो हमारे पास जो मेंटोरशिप में सनत जयसूर्या है, तिलक दर्शन है, आरपी सिंह है, प्रवीण हाबरे हैं और भी काफी लोग हैं जी। तो इनके रहने से दो चीजें, एक तो बिहार का जो ग्रास रूट डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेटर्स है वो होगा, और एक छोटे शहर का बच्चा जिसको ये फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग है, फ्रेंचाइज एक लोकेशन को खरीदेगा, उसके बाद एक हमारा प्लेयर ऑक्शन होगा और हमारे सारे छोटे बच्चे जो एक छोटे शहर से हो, अररिया से हो, दुमका से हो, कहीं से भी हो, जो जो झारखंड के एरिया में है, सॉरी बिहार के एरिया में है, उनको एक खेलने का मौका मिलेगा। जब ये बच्चे आके खेलेंगे ऐसे मेंटोर के साथ तो इनकी प्रतिभा को सब लोग देख के सराहेंगे और ऐसे बच्चे को आगे खेलने का मौका हर समय मिलता है। और जैसे आप जानते हैं प्रवीण आमरे दिल्ली के भी टैलेंट स्काउट रहे हैं, बम्बई के भी रहे हैं, तो इनका इनका रहना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, बिकॉज उन बच्चों के लिए वो बहुत बच्चों के लिए वो हर हर तकनीकी तौर पे अच्छे बच्चे जो अच्छा खेलेंगे इस तरह के प्लेटफॉर्म में वो आगे बढ़ेंगे। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने एक बात कही थी कि उन्हें बड़ा बहुत अजीब लगता था कि इंडिया में हर एक जगह से, नॉर्थ से स्पेशली भारत के कप्तान चुने जाते हैं, क्रिकेटर्स बहुत आते हैं, ईस्ट से कोई नहीं आता। इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैंने धोनी में देखा था, और जब बात बिहार के क्रिकेटर्स की आती है तो धोनी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि धोनी जो है वो खुद बिहार राज्य क्रिकेट टीम से खेल के निकले थे और जब वो इंडियन टीम में गए तो उसके बाद नया ही झारखंड बना था, लेकिन जो क्रिकेट उन्होंने खेला वो खुद कहते हैं जो क्रिकेट मैंने खेला वो बिहार में खेला, बिहार में खेला क्योंकि मैं बिहारी हूं। तो अच्छा लगता है कि यार एक ऐसा क्रिकेटर गया है जो कि इस स्टेट से नाम लेके गया, लेकिन अब चलिए स्टेट अलग हो गया। अब मैं अगर आपको बताऊं ताजा एग्जांपल, तो ईशान किशन वो भी बिहार के प्लेयर है, फिलहाल मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी स्टेट छोड़ा तब जाके वो क्रिकेट में आज कहीं मुकाम बना पाए। लेकिन बहुत बुरा लगता है कि जब बच्चे कहते हैं कि हम सर खेलते हैं बस स्कूल लेवल पे खेलते हैं, थोड़ा डोमेस्टिक लेवल खेल लेते हैं, थोड़ा स्टेट लेवल तक जाके फिर रुक जाते हैं, वहां कहां पे एक पेच लगती है जहां से बच्चे शायद आगे नहीं निकल पाते। नहीं, आपको एक चीज में सुधार दो, बड़ी छोटी सी बात है, क्रिकेट इज नॉट अ वन मैन गेम। क्रिकेट जब खेलते हैं 11 खिलाड़ी खेलते हैं, जब तक आपके पास 11 खिलाड़ी में दम नहीं होगा एक लड़का निकल के आगे नहीं जा पाएगा। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो बीसीएल होने वाला है, ये प्रीमियर लीग अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अब
एलाइट स्पोर्ट्स आप ही का है, आप डायरेक्टर है वहाँ के, और ऐसा क्या मन में आया और आपने पीसीए से संपर्क किया कि यार ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया कि हम बिहार के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे तो पहले भी सकते थे, लेकिन इस बीच में ये सोच आपकी कब जनरेट हुई कि यार अब बच्चों के लिए करना पड़ेगा? पहला ये तो समझ लीजिए कि एलीट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आज से 10 साल पहले झारखंड में हम लोगों ने झारखंड प्रीमियर लीग किया था, और पहली बार ऐसा हुआ था कि एक डोमेस्टिक स्पोर्ट्स लीग इंटरनेशनल ग्लोबल स्पोर्ट्स चैनल पे लाइव टेलीकास्ट हुआ। जी 10 स्पोर्ट्स का हमारा लाइव टेलीकास्ट 7 दिन थे उस समय। पर आपको ये बताते हैं कि हम रहने वाले पटना के हैं, तो हमारा वो बेसिक लगाव ये कि और बिहार के लिए कुछ करना है, और वो कभी आपको ये मौका नहीं मिला था, क्योंकि एसोसिएशन कभी एक्टिव नहीं थी। आज एसोसिएशन थोड़ी एक्टिव हुई है, प्लेयरों ने कुछ खेलना शुरू किया है, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस दिख रहा है, तो हम लोगों ने बढ़ के बोला कि चलो शुरू करते हैं। चूंकि हमारे पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है लीग क्रिएट करने का, इसीलिए मैंने सोचा कि हम बिहार से शुरू करते हैं और इस बार बिहार में थोड़ा अच्छे से क्रिकेट प्रमोट करते हैं, और इस मौके को हम लोगों ने बिहार क्रिकेट लीग। एक बार मैं आपको और बता दूं, थोड़ा आप एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि कौन से क्रिकेटर, जो कितने क्रिकेटर जो भारत के लिए खेल चुके हैं, स्पेशली जो इंटरनेशनल क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, जो अब जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, उनमें से कौन से बड़े नाम है? क्योंकि अगर वो उतने बड़ी हस्ती जो क्रिकेट की हस्ती है, अगर वो बच्चों पर हाथ रखेंगे तो वो तो कहते हैं जो पत्थर को सोना लाने वाली बात होगी। सर बड़ा अच्छा चीज बोला, मैं बता रहा हूँ, अगर अगर सनत जयसूर्या ऐसा बंदा आपके पास 4 दिन भी रहता है बच्चों के साथ, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आसमान पर रहेगा। बिल्कुल, हमारे पास आरपी सिंह रहेंगे जो हिंदुस्तान के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, हमारे पास तिलक दिशान रहेंगे जो बहुत अच्छा बैट्समैन रहे हैं ओपनिंग में, और प्रवीण आमरे अभी इंडिया के सबसे बड़े कोच हैं। प्रवीण आमरे भी, इन चार लोगों ने हमें अभी हावी भरी है टू बी द मेंटर ऑफ द टीम व्हिच वी प्ले पीसीएल, व्हिच इज अगेन अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ के इस इंटरव्यू को क्लोज करना चाहूंगा, आपका मैसेज क्या है बिहार के बच्चों के लिए? आप क्या कहना चाहेंगे इस इंटरव्यू के थ्रू बिहार के बच्चों से कि अपनी प्रतिभा को किस तरीके से वो निखारे और किस तरीके से वो इस बीसीएल का हिस्सा बने? फोकस, स्टैंड रखो, और जब विकेट पे आओ तो फोड़ दो। जब तक तुम्हारे में वो दम रहेगा और दिखाने की क्षमता रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। हमारे बीसीएल का टैगलाइन है जो हमारा गौरव, आवर प्राइड, जस्ट बी आवर प्राइड। थैंक यू सो मच सर। और ज्यादा ज्यादा मैं बोलना चाहूंगा दर्शकों को कि ये जो कहावत है ना कि एक बिहारी 100 पर मारे, ये मौका मिल रहा है 100 मारिए वहां जाकर, और उसके बाद इंडिया में जाने से कोई नहीं रोक सकता इंडियन टीम में। फिलहाल दीजिए इजाजत, तो देखते रहिए नेशन न्यूज़।